What's up guys, once again, welcome back to our YouTube channel. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे. गाइज बात करने वाला हूँ हुनरबाज देश की शान के 6 फरवरी के एपिसोड में, और उसमें आई एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस के बारे में. गाइज महाशय का नाम है इमरान मैदारी गाइज, और ये रहने वाले हैं जैसलमेर राजस्थान के गाइज, और इनकी जो परफॉर्मेंस है ये राजस्थानी मैजिक शो करते हैं वहाँ पे अपने जैसलमेर में. तो आज ये हुनरबाज देश की शान के मंच पे आए हैं अपने हुनर का जादू दिखाने गाइज. और मैं बता दूं दिल्ली राउंड में, ये थर्ड राउंड जब दिल्ली राउंड हुआ था तब इमरान भाई मेरे साथ ही थे ऑडिशन में. मैंने भी हुनरबाज का ऑडिशन दिया था, और थर्ड राउंड के बाद अभी मुझे कॉल आउट नहीं आया उनका, क्योंकि हो सकता है मेरा हुनर उनको ज़्यादा पसंद नहीं है. तो मैं बता दूं मेरा हुनर था, मैं किसी भी बॉलीवुड सॉन्ग्स को उल्टा करके गा सकता था, लेकिन इमरान भाई का जो हुनर था वो आपने टेलीविज़न पर देखा. उन्होंने हर्ष को बुलाया, और जब हर्ष को बुलाया तो भारती बहुत ज़्यादा डर गई, पता नहीं क्या करेगा मेरे पति को कि कबूतर वूतर ना बना दे. लेकिन बहुत अमेजिंग कॉमेडी पंचेस होते हैं भारती के और हर्ष के, लेकिन जो इनकी परफॉर्मेंस थी इमरान मदारी की वो भी बहुत अमेजिंग थी गाइज. इन्होंने जो है इनका जो बोलने का तरीका, जो सादगी इनके फेस पे दिखती है, जो सादगी इनकी लैंग्वेज में है, वे ऑफ टॉकिंग इनका इतना अच्छा है कि बहुत ही शानदार इनकी परफॉर्मेंस थी. और टिश्यू पेपर से 500 का नोट इन्होंने हर्ष भैया को बना के दिखाया, और जजेस को भी बना के दिखाया. ये बहुत अमेजिंग ट्रिक थी, कैसे था, जादू था, क्या था. और 500 के ऊपर 500 को 10-12 नोट्स उन्होंने एक टिश्यू ऊपर से क्रिएट करे, तो बहुत ही अमेजिंग ये टैलेंट था गाइज. ऐसा टैलेंट हमने देखा है बहुत बार, लेकिन जो इमरान भैया का स्टाइल है बोलने का वो बहुत अमेजिंग था गाइज. और इस शानदार परफॉर्मेंस को भी शॉर्टलिस्टेड कर लिया जाता है 90% के साथ अगले राउंड के लिए. और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स जो हैं करण जौहर ने, परिणीति चोपड़ा ने, उनकी इस परफॉर्मेंस को दिए गाइस. उसके बाद हर्ष के साथ ही उन्होंने अपना सारा एक्ट करा, तो उसके बाद हर्ष को वो एक सिक्का खिला देते हैं, और वो सिक्का निकलता कहाँ से है, ये बड़ा कॉमेडी सीन एक ग्रेट हुआ कि हर्ष मुँह से सिक्का खाते हैं और उसके बाद बाहर जो है कहीं और जगह से निकलता है. तो करण जौहर कहते हैं कि यार मतलब कि ऐसा जादू हमने पहले नहीं देखा गाइस. हुनर देश की शान का एपिसोड अगर आप कोई भी मिस करते हो उसे आप बूट सेलेक्ट ऐप पे देख सकते हो. अगर मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, हुनरबाज देश की शान की रेगुलर अपडेट और साथ ही के साथ ऑल अबाउट रियलिटी शोज इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगी. डांस दीवाने जूनियर बहुत जल्दी जो है शुरू होने वाला है, ऑडिशन राउंड चल रहे हैं. बूट पे जाके आप अपने डांस वीडियो वहां पे अपलोड कर सकते हो और आ सकते हो डांस दीवाने जूनियर में गाइस. अगर आपके बच्चे में वो टैलेंट है, 4 to 14 ईयर्स के बच्चे जो है इसमें सोलो डुओ ट्रायो कर सकते हैं गाइस. 90% के साथ जो सिलेक्ट होते हैं इमरान मदारी अगले राउंड के लिए. तो बेस्ट विशेस टू इमरान भैया, देखना है कि आने वाले एपिसोड में वो क्या क्या करते हैं गाइज. बहुत ही अमेजिंग शो है और बहुत मजा आने वाला है. बेस्ट विशेस टू इमरान सर. और साथ ही के साथ मैं बता दूं, देखना ना भूलिए हुनरबाज देश की जान के आने वाले एपिसोड 9 PM ऑनली सैटरडे संडे 8 9 PM ऑनली ऑन कलर्स. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.